हेलो एवरी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ा वाला की दुनिया। लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है आप ऑल पे क्लिक करोगे तभी आप सभी लोग को मेरा नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। लाइक फ्री में है, सब्सक्राइब फ्री में है। यूट्यूब फ्रेंड्स, पूर्णिमा मोहसब जी आज कुछ नई बात करने वाली है, तो चलो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार। आजकल सब जगह बहुत अवार्ड मिल रहे हैं, तो एक नए सब्जेक्ट की बात करने जा रही हूं। अवार्ड, सबसे श्रेष्ठ अवार्ड कौन सा होना चाहिए, सम्मान कौन कर सकता है और सम्मान कौन प्राप्त कर सकता है, ये मापदंड आजकल बहुत बिखर गया है, शायद कहीं खो गया है। अपने देश में दैनिक लाखों सम्मान पत्र छप रहे हैं और लाखों की संख्या में अवार्ड बांटे जाते हैं। 100 साल तक एक नीम का पेड़, वड और बरगद के घटादार पेड़ ने कितने मुसाफिरों को छांव दी है। लाखों पक्षियों का घर बना हो उस पेड़ में से, दवा दारू बना हो, हवा पानी का रक्षक बना हो उसका, किसी ने भी वो पेड़ का सम्मान किया है? अपने घर में दूध देने वाली गौ माता हो जिसने 10-15 साल तक दूध दिया हो, जिसकी वजह से दूध, घी, ताप, मक्खन हर रोज खाने को मिलता हो, जिसने सुंदर सुंदर बछड़े दिए हो उसका कभी उसके बुढ़ापे में सम्मान किया है? घर के आंगन में मोर, पोपट, चिड़िया, काबर, तेतर, कई तरह के पक्षी आते हो और अपने घर के छोटे बालकों के प्यारे दोस्त बने हो, रोते हुए बच्चों को हंसाया हो, ऐसे पक्षियों का कभी सत्कार किया है? 100 साल तक मुसाफिरों, प्राणी पक्षियों के साथ, गवाही के साथ जीने वाले वृक्षों को, हम रोड को, रास्ते को बना बड़ा करने के लिए काट देते हैं और ये मार्ग के उद्घाटन के प्रसंग पर प्रधानों, अधिकारियों का सम्मान करते हैं, तब ये वृक्षों की जीने की स्थिति में अपनी जात को कभी भी मिलाने का, एकाकार करने का प्रयास किया है कभी? जिंदा थे तब कोई भी सम्मान या अवार्ड प्राप्त नहीं करने वाले, प्राप्त नहीं करने वाले। कबीर, मीराबाई, ज्ञानेश्वर, तुलसीदास, रहीम, रैदास, प्यासे को पानी पिलाने वाले मईकरण वगैरह को आज सब लोग क्यों याद करते हैं? आत्मश्लाघात्व से भरे हुए और स्टेज पे सिर्फ कुर्सी, फोटो, प्रेस नोट और झूठी वाहवा के चमचाओं की आदमखोर जात से अब प्रकृति तृप्त हो गई है। मगर आदमी कभी तृप्त नहीं हुआ, वो हमेशा अपने लिए अपने सगे भाई को भी काटने से हिचकिचाता नहीं। ये आदमी विविध अवार्ड से भर चुका है, छलकता है और नदियां बिना पानी के सूख रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह
छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक इतनी कंपटीशन चल रही है, डांस में, गाने में, सब जगह प्रतिस्पर्धी ही दिखाई देते हैं। और बच्चों की बात करेंगे तो जब बच्चे हार जाते हैं तब उनके स्वमान को कितनी ठेस पहुंचती है, कितने रोते हैं और हार जाने का कितना गम होता है उसमें। और बड़े लोग जो जज बन के आते हैं तो ये सबकी भावनाओं से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, शर्म की बात है। इसलिए ये सब अगर सोच समझ के किया जाए तो अच्छा है। तो अवॉर्ड वही आदमी को मिलना चाहिए जो सबका भला चाहता हो, ईमानदारी है जिसमें, शराफत है और एक दूसरे का अच्छा करने की भावना है, एक दूसरे का अच्छा सोचने की भावना है। जो अपने माँ बाप के प्रति प्रेम रखता हो, अपने गुरु के प्रति प्रेम रखता हो, भगवान का कहा मानता हो, भगवान की प्रार्थना करता हो, और जो आजकल खराब आदतें है किसी किसी में, तो वो किसी में नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे का अनुकरण करने की भावना नहीं होनी चाहिए। और सीनियर सिटीजन को मान इज्जत देना चाहिए। ऐसे आदमी का आप मान सम्मान कीजिए। सो यूट्यूब फ्रेंड्स, प्रणयम सब्जी की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और भी नए नए ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे अपलोड होना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।